हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरे पोथोस कलेक्शंस दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है स्किंडैप्सिस पिक्टस एक्जोटिका, और इसको सैटिन पोथोस भी बोलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है ना इसका लीफ, देखिए सिल्वरी स्प्लैश जो है इसमें, यही इसको आकर्षक बनाता है। और ये प्लांट मैंने पिछले महीने ख़रीदा था, आप सबसे मैंने शेयर नहीं किया था फ्रेंड्स। तो ये मेरा न्यू प्लांट है और आप देखिए कितना सुंदर है ना इसका जो डिज़ाइन। और ये थोड़ा सा एक्जॉटिक प्लांट है, रेयर प्लांट आप बोल सकते हैं, और काफ़ी महंगा भी आता है। और ये ऑनलाइन में मैंने चेक किया था तो बहुत प्राइस दिखा रहा था, तो मैंने फ्रेंड्स इसको लोकल नर्सरी से ख़रीदा। पहले तो ये मेरे लोकल नर्सरीज़ में अवेलेबल नहीं था, लेकिन बाद में मुझे मिल गया। कुछ दिनों का वेट करना पड़ा मुझे, लेकिन उसके बाद मुझे मिला, और ये मुझे 150 रुपीज़ में मिला, तो काफ़ी रीज़नेबल था इसका प्राइस। वैसे कई अलग अलग नर्सरीज़ में तो बहुत ज़्यादा प्राइस भी बोलते हैं इस प्लांट का। तो ये है पहला प्लांट मेरे कलेक्शन का। उसके बाद फ्रेंड्स, ये और एक बहुत ही खूबसूरत और मेरा बहुत ही फेवरेट पोथोस देखिए, मार्बल क्वीन पोथोस। और इसका वेरिगेशन देखिए कितना सुंदर है, और इसका हैंगिंग बास्केट पूरा भर गया है, आप देख पा रहे हैं। देखिए इससे ही मैंने कुछ स्टेम्स लेके मैंने और एक बास्केट तैयार किया है, और ये है वो बास्केट। देखिए कितना आकर्षक लगता है, देखिए मैं ऊपर से दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। इसके हम कटिंग करते रहेंगे तो प्लांट बहुत बुशी बन जाता है, ये देखिए ऐसा बन जाएगा। मैं इस प्लांट को भी बुशी बनाऊंगी, इसके जो ये टिप्स हैं मैं काट के मैं यहाँ इस जगह पे काट दूंगी, तो काट के फिर से मैं इसको इसी पॉट में लगा दूंगी, और जिस हिस्से में मैं काटूंगी उससे और एक दो ब्रांचेस और भी निकल जाएंगे, तो इसी तरह ये प्लांट बुशी हो जाएगा। और इस तरह से इस साइड से भी मैं काट दूंगी। उसके बाद मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इसको एन्जॉय पोथोस बोलते हैं, और ये भी काफ़ी खूबसूरत है, वाइट और ग्रीन का जो ये कॉम्बिनेशन है बहुत सुंदर लगता है। देखिए इसके मदर प्लांट से मैंने कुछ कटिंग्स निकाल के मैंने इसको ग्रो किया है, और ये जो पोथोस होते हैं ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं कटिंग्स के ज़रिए। और इसका मदर प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स ये इसका मदर प्लांट है। इसी प्लांट से मैं स्टेम्स निकाल के मैंने ये बास्केट तैयार किया था। ये है नियॉन पोथोस, या इसको गोल्डन मनी प्लांट भी बोलते हैं। देखिए इसका लीफ का कलर कितना सुंदर है ना, एकदम स्टैंड आउट करता है। देखिए ये डार्क ग्रीन के बीच में मैंने ये जो रखा है कितना ये स्टैंड आउट कर रहा है, आकर्षक लगता है। देखिए दूर से दिखाती हूँ, ये मैंने हैंगिंग बास्केट्स में भी लगाया है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हैंगिंग बास्केट्स में भी इस प्लांट को लगाया है, और इस जगह पे थोड़ी सी इसको धूप मिली है। इन दिनों हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है दिन में, तो देखिए इसके लीव्स के जो कलर है वो फेड हो गए हैं। वैसे मैं कभी कभी इसको कवर भी कर देती हूँ पुराने बेडशीट से, ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे हार्श जो सन रेज है उससे, लेकिन कभी कभार मैं भूल जाती हूँ। तो देखिए कैसा
कलर जो है ये फेड हो गया है, तो इसको शेड में रखेंगे तो बहुत ही प्यारा कलर आता है। आप देख सकते हैं इसकी लटे कितनी सुंदर लगती है ना, ऐसे लटकते हुए। और देखिए इस जगह पे इसको धूप नहीं मिली है, तो ये देखिए कैसा सुंदर कलर आया है इसमें। और मैंने जो अभी आपको मेरे बरंदा में रखा हुआ प्लांट दिखाया था उसका कलर भी कितना सुंदर था ना, क्योंकि वो कम्प्लीटली शेड में रहता है। इसलिए ये एकदम प्लेन ग्रीन कलर का पोथोस है, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके लटे जो है एकदम नीचे तक चले गए हैं, ये देखिए कितना लंबा हो गया है इसका ये स्टेम, देखिए। इसको मैंने एक प्लास्टिक के बॉटल में लगा के रखा है, और ये और एक स्टेम है देखिए, तो इसका कलर भी बहुत प्यारा लगता है। फ्रेंड्स जो एक कॉमन जो वेरीगेटेड वाला मिलता है उससे ज़्यादा मुझे ये वाला कलर पसंद है जो प्लेन कलर है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा कलेक्शन देख के, आप ज़रूर बताइएगा मुझे। और आप भी ऐसे पोथोस लगाइए अपने घर में, इसको ट्रेल कीजिए या तो मॉस्टिक में दीजिए, हैंगिंग बास्केट्स में लगाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको ग्रो करना चाहते हैं। मुझे तो ये ऐसे ट्रेल करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, एक हाइट में रखने के बाद जब ये ऐसे नीचे आते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक बस यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।